बोलिए देवादि देव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी की। बंधु, आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में एक धर्मपरायण सरकार होने के बाद आज हमें दूसरी बार यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ा। बंधुओं, देखिए, शासन जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो एक माँ के समान होता है, और अगर बच्चे को जरा सी भी पीड़ा होती है तो माँ पूरी पूरी रात जागकर उसका लालन पोषण करती है, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी अगर सरकार ने हमारी बात अब तक नहीं सुनी तो निश्चित रूप से आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन तो बनता है। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवश्यकता बस थोड़ा सा जागृत होने की है। मैंने पहले बार भी कहा था, हमें अपना इतिहास खंगालने की आवश्यकता है। हमारे इतिहास में टोडर मल भी हुए हैं और ऐसी ऐसी हस्तियां हुई हैं जिनका उल्लेख हमारे इतिहास में है। देखिए, हम लोग अहिंसक समाज है और अहिंसा हमारा मूल मंत्र है, और हमेशा हमारे गुरुओं ने अहिंसा पर चलने का हमें रास्ता बताया है, और हमें उसी पे चलते हुए इस समाज के साथ सरकार को बताना है कि ये जो शाश्वत तीर्थ है, ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अगर सरकार को कुछ सुविधा देनी है तो हमारे जैन धर्म की जो प्रमुख कमेटियां हैं उनको अपने साथ लेकर उनके समर्थन से सम्मेलन शिखर जी पर कोई सुविधा देनी है तो वो दे, अन्यथा इसको पर्यटन स्थल तो बिल्कुल ना बताए। क्योंकि कल रात मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम आया था आदिनाथ चैनल पर, उसपे हमारे संजय जी ने बताया कि अगर ये अधिसूचना जो जारी की है इसके अनुसार सरकार वहां पर 5-स्टार होटल भी बना सकती है, और 5-स्टार होटल अगर बनेगा तो उसमें बंधुओं आपको पता ही है कि वेज और नॉन वेज दोनों का प्रयोग होता है। एक ऐसा शाश्वत तीर्थ जिसका कण कण हमारे लिए पूजनीय है, जिसके ऊपर हम जूते चप्पल लेकर जाना भी पाप समझते हैं, वहां अगर नॉन वेज का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से जैन धर्म आहत होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सब आज यहाँ जो एकत्र हुए हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के इस प्रदर्शन से सरकार हमारी बात अवश्य सुनेगी और ये अधिसूचना जल्द वापस लेगी। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय जी को मैं अर्ध से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बताया कि ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। निश्चित रूप से हम लोग तो आंखें बूंद कर बैठे हुए थे बेफिक्र से, लेकिन संजय जी का आभार, उन्होंने हमें बताया, और जब अब बताया है तो हम इसको विरोध करते हुए वापस कराकर ही चैन से बैठेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।